प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपना ज्ञान परखो, जो कि पाठ 1 से 6 पर आधारित है, हम उनके प्रश्न करेंगे। और ये सब संज्ञा पर आधारित हैं, हम कहेंगे वर्णों पे, वर्णमाला पे, मात्राओं पे, लिंग वचन पे आधारित ये सारे हमारे प्रश्न हैं। एक तरह से हम कहेंगे ये तो पुनरावृत्ति, हम तो एक तरह से कहेंगे रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम अपना पहले 3 प्रश्न हमने कर लिए थे, आज 4था प्रश्न करेंगे, संज्ञा शब्द लिखो। तो शुरू करते हैं, संज्ञा शब्दों की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है हमारा 4था। संज्ञा शब्द लिखो। संज्ञा शब्द लिखो। संज्ञा शब्द लिखो। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हो। कोई ये ना लिखे कि जो सर ने लिखा है वही संज्ञा होते हैं। आप अपने जैसे दो मित्रों के नाम, तो आप अपने मित्रों के नाम लिखेंगे। दो मित्रों के नाम, हमें पता है ये नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के हो, शहरों के हो, नदियों के हो या पशुओं के। और ये दो लिखने हैं उदाहरण के तौर पे। तो मैं लिखूंगा रोहन, जो आपका दोस्त हो आप उसका नाम लिखेंगे, मैं तो रोहन लिखूंगा। और क्या हो सकता है? रोहन दोस्त जो शब्द है आजकल, इसका प्रयोग ए लिंग के लिए नहीं है। पहले हम कहते थे दोस्त और सहेली, ऐसी बात नहीं। आजकल दोस्त का कोई लिंग नहीं होता, तो इस बात से रख सकते हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ सुनीता, तो आप भी दो मित्र हो सकते हैं, रोहन सुनीता। मैं तो चाहूँगा कि आप अपने ही मित्र का नाम लिखें, कोई भी इससे कॉपी करने की कोशिश न करें। दूसरा है दो शहरों के नाम, तो दो शहरों के नाम, दो शहरों के नाम तो आप अपने अनुसार लिखेंगे, इसमें सोच के लिखिए। मैं नहीं कह रहा कि आप वाराणसी ही लिखिए, आप आपका जो अपना जो होम टाउन है अपने हिसाब से लिखिए। तो मैं इसमें लिखता हूँ, एक वाराणसी लिखता हूँ, एक आगरा, ये उत्तर प्रदेश में भी है और वाराणसी में तो आप रहते ही हैं। एक शहर का ये नाम हो गया, दूसरा हो गया आगरा, प्रयागराज या फिर अहमदाबाद आप लिख सकते हैं, कोई भी शहर का नाम हमें लिखना है। फिर है दो नदियों के नाम, तीसरा है हमारा दो नदियों के नाम, दो नदियों के नाम। तो नदियों में हमने एक नदी का नाम लिखा गंगा, ये तो हमारे शहर की है। दूसरा लिखते हैं नर्मदा, नर्मदा की नदी का नाम। फिर दो पशुओं के नाम, तो कोई भी दो पशु हो सकते हैं, दो पशुओं के नाम, दो पशुओं के नाम क्या होगा? कोई भी दो पशु,
चाहे वो पालतू हो, चाहे वो हम कहेंगे जंगली जानवर, जंगली हो तो कुत्ता, कुत्ता एक पशु हो गया, या गाय भी आप लिख सकते हैं, गाय, शेर भी है, शेर भी पशु में आता है, शेर लिख सकते हैं आप, तो आपकी मर्जी। तो अभी हमने अपना चौथा प्रश्न कर दिया, संज्ञा शब्द लिखो। और आपको पता है सर, नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो आपके दोस्तों के नाम हो, या शहरों के नाम हो, नदियों के नाम हो, पशुओं के नाम हो, इसके अलावा क्या हो सकता है, वस्तुओं के भी नाम हो सकती हैं, और भावों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो ये मन में हमेशा ये परिभाषा बिठा के रखनी है। जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो परिभाषा हमारे दिमाग में बनी रहनी चाहिए, और इसमें तो जो पूछा है हमने वही लिखा है। तो ये मत भूल जाना कि दो वस्तुओं के नाम संज्ञा में नहीं आएगा, दो वस्तु भी नाम में संज्ञा में आएगा। भाव के जो नाम होते हैं, खुशी, ईर्ष्या, ये सब भी संज्ञा के ही उदाहरण है। तो अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न है, हमारा पांचवा प्रश्न है लिंग बदलो। ये दिया हुआ है हमें, तो ऐसे वाले में मैंने बताया, अगर वो पुलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे, अगर स्त्रीलिंग है तो पुलिंग लिखेंगे। ये लिंग बदलो वाले में इसका ध्यान रखिएगा, अगर हमें पुलिंग शब्द दिया है तो हम उसका लिंग बदल के स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे, अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो उसका लिंग बदल के उसका पुलिंग रूप लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, पांचवा है हमारा लिंग बदलो। लड़का, एक उदाहरण भी दे रखा है, वाह, लड़का, और इसका लिंग बदल करके लिखा है लड़की। एक उदाहरण दे रखा है, उसी तरह है, मामा का लिखना है, मामा का हम लिखेंगे, शेर का लिखेंगे, मैं पहले लिख देता हूँ शेर का, धोबी, और मुर्गा, मेरे ख्याल से बाप को याद आ गया होगा, सब बच्चे बुक लेके ही बैठे हैं, मेरे ख्याल से ये बिना मदद के भी वे कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लड़का का लड़की, उसी तरह आप जरा एक मन में बिठा लीजिए, जरा सोचिए, तो आपने सही कहा, मामा का होगा मामी, मामा का मामी, फिर आगे शेर का शेरनी, तो मामा पुलिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप है शेर का शेरनी। अगर देखा जाए तो इसमें केवल जो हमें लिंग बदलो में सभी पुलिंग दे रखे हैं, हमें एक तरह से उसका स्त्रीलिंग रूप ही लिखना है, तो शेर का होता है शेरनी, शेर का शेरनी। फिर बारी है धोबी का, होता है धोबिन, धोबी, धोबिन, ये तो आपने पढ़ाई है, इसीलिए हमने तालिका याद करवाई थी आपसे, कि अगर आपको एक बार तालिका याद हो जाए तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो लड़का लड़की, मामा मामी, शेर शेरनी, धोबी धोबिन, मुर्गा का मुर्गी, बहुत आसान है। मुर्गा मुर्गी,
लड़का लड़की, मामा मामी, शेर शेरनी, धोबी धोबिन, मुर्गा मुर्गी। अगला है छठा प्रश्न हमारा, सही पर घेरा लगाओ। इसमें एक वचन और बहुवचन जो दे रखे, बहुवचन के तीन तीन विकल्प दे रखे हैं हम, और हमें सही विकल्प पहचान करके सही विकल्प पे गोला लगाना है या घेरा लगाना है। तो ये हमारा छठा प्रश्न, ये भी बहुत आसान है, तो इसमें चलते हैं। ये हमारा छठा प्रश्न है, अब आगे छठा प्रश्न हमारा है, सही पर घेरा लगाओ। सही पर घेरा लगाओ, एक वचन दिया है, एक वचन, और बहुवचन के विकल्प दे रखे हैं हमें तीन। और सही हमें पहचानना है, तो जैसे एक वचन चीटी शब्द है, चीटी हमें इसके विकल्प दिए हुए बहुवचन, पहला विकल्प दिया है चीटियां, ची, तीन तीन विकल्प, चींटियां, दूसरा है चीटियां, तीसरा है चींटियां। तो तीन विकल्प हमें दिए गए हैं, चींटी चींटियां चींटियां चींटियां, इसमें सही विकल्प क्या है। हम जानते भी हैं कि जब अंतिम वर्ण में बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम क्या करते हैं, वो मात्रा बदल देते हैं, छोटी ई में बदल देते हैं, बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं। तो चींटियां चींटियां ये तो गलत है, ये हमें पहले ही पता चल गया, यहाँ टह पे बड़ी ई की मात्रा है तो ये तो गलत है। अब इन दोनों के पास चलते हैं, दोनों में छोटी की मात्रा है, चींटियां चींटियां, ये जो बिंदी नहीं है, न का उच्चारण नहीं आ रहा, चींटियां, तो इस कारण से ये भी गलत है। तो सही विकल्प हमारा रहा पहला वाला, हम अपना पहला वाला विकल्प लिख देते हैं। कैसे करेंगे, घेरा लगा कर, हमें घेरा लगाना है और हमने घेरा लगा दिया। दूसरा है घोड़ा के बाद में है, इसका बहुवचन रूप लिखेंगे, घोड़ा, फिर है घोड़े, तीसरा विकल्प है घोड़े, तो इसमें छोटी सी बिंदी से भी गलती हो सकती है, जैसे हमने पहले देखा था। इसमें केवल दोनों में अंतर क्या है, बिंदी का अंतर, तो हमें एकदम सतर्क रहना है, हमें पता होना है कि कहाँ पे सही हो रहा है कहाँ पे गलत है। तो हमने देखा
घोड़ा का घोड़ा कर दिया तो गलत है, ये हमें मन में ही इसको बिठा लेना है, ये तो गलत है। अब ये है घोड़े घोड़े, ये जो बिंदी है यहाँ पे नहीं, तो ये तो गलत है। तो ऐसे करके हम करेंगे और जो सही है उस पर घेरा लगाते हैं। उस पर क्या लगाते हैं? घेरा लगाते हैं। ये गलत का तो निशान मत लगाना है, मन में इसे ऐसे करके अलग अलग किया जाता है। ये तरीका है कि ये शब्द तो हो ही नहीं सकता, इसको काटो, तो जो बचा है उनमें से देखेंगे। तो ऐसे यही तरीका है, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि ये नहीं है, इसको पहले काट दो, इसको भूल जाओ, पूरा ध्यान इस पे दो, इसमें ये गलत है, इसको इसको छोड़ दो, इस पे हो, ऐसे करके किया जाता है। राखी तीसरा शब्द है, राखी एक वचन में हमें देखते ही पता चल रहा है। अब हम इसका बहुवचन लिखेंगे, राखियां, पहले लिखा है राखियां, हाँ पे बड़ी ई दिया हुआ है। आपको याद आया कि जब भी हम बड़ी बहुवचन बनाते हैं और शब्द अगर स्त्रीलिंग हो और बड़ी ई की मात्रा हो तो छोटी ई की मात्रा में बदल जाता है, तो मन में हमें आया कि ये तो गलत है। दूसरा शब्द हमें दे रखा है राखियां, रखियां मात्रा सही है, ख पे तो बड़ी कर दिया और यहाँ भी लिखा, लेकिन एक मात्रा इसने गायब कर दिया, रखियाँ हो गया, राखियाँ नहीं है, ये तो छोटी की मात्रा है, तो ये तो रखियाँ हो गया, रखियाँ, और रखियाँ गलत है। तीसरा विकल्प चलते हैं, ये है राखियाँ, र में आ की मात्रा, ख पे छोटी ई की मात्रा और यहाँ, तो ये सही है। इस तरह से हम करेंगे तो सही के ऊपर घेरा लगाते हैं या गोला लगाते हैं, वो भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, बारी है पत्ता। दो शब्द और हैं, पत्ता और किताब। पत्ता और किताब, बारी है, दे रखा है हमें पते, ये गलत है। फिर पत्ते, ये भी गलत है, पत्ते, तो पत्ते के बहुवचन में बिंदी नहीं आता, याद रखिएगा। ये तो पते हो गया, पते, ये तो गलत हो गया, पूरा ही कर दिया, आधा तो भूल ही गए, तो पते गलत है, पत्ते भी गलत है, पत्ते होता है, पत्ते बहुवचन पत्ते होता है। तो अगला हमारा शब्द है किताब। तो क्या क्या तीन विकल्प दे रखे हैं, पहले हम विकल्पों को ही लिख देते हैं, किताबें, दूसरा विकल्प है हमारा किताबें, तीसरा विकल्प है किताबें। तो तीन विकल्प हो गए, अब सही विकल्प क्या है? ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें मात्रा दी है, किताब में छोटी ई की मात्रा होती है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा दी, इस कारण ये गलत है। बहुवचन में किताबें नहीं होता, किताबें होता है, तो ये बिंदी वाला जो है पहला वाला ही विकल्प सही, हम घेरा लगा देते हैं। तो ये था हमारा छठा प्रश्न, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एक वचन दिया है और इसके साथ हमें तीन विकल्प भी दे रखे हैं, एक वचन दिया है और इसके तीन बहुवचन के विकल्प दे रखे हैं,
और तीन में से एक विकल्प ही सही है, तो जो सही है उस पे हमें गोला लगाना है या घेरा लगाना है। तो हमने क्या किया, चीटी, चीटी का सही विकल्प है चीटियां, हमने इसको सही किया है। घोड़ा, घोड़े का सही विकल्प है घोड़े नहीं है घोड़े, तो हमने इस पे घेरा लगाया है या गोला लगाया है। राखी, राखी का सही विकल्प यहाँ राखियां था, तो हमने घेरा लगाया है या गोला लगाया है। ठीक उसी तरह पत्ता, पत्ता का जो सही विकल्प था ये कौन सा था, आपको पता ही है ये था पत्ते, तो हमने इसमें घेरा लगाया। जगह एक बार मैं दोबारा मिटा के लिख देता हूँ, जगह की कमी लग रही थी मुझे। तो पत्ता का क्या होता है, पत्ते, तो हम लिखा पत्ते, तो इसमें बिंदी नहीं होनी चाहिए, पत्ते नहीं, तो ये पत्ते ही हो जाएगा उच्चारण के, पत्ते ही, ये पत्ते, तो उच्चारण से भी हमें इसका बोध हो जाता है। तो फिर से देखिए, शब्द है पत्ता एकवचन, पत्ते बहुवचन, उसी तरह किताब एकवचन, किताबें, ये सही है, इसमें मात्रा गलत है किताब में, और इसमें बिंदी नहीं लगाई इस कारण से गलत था। तो चीटी चीटियां, उच्चारण पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, चीटी चीटियां, घोड़ा घोड़े, राखी राखियां, पत्ता पत्ते, किताब किताबें। अब अगला है हमारा सातवां प्रश्न, सातवां भी बहुत आसान है, इसको लिखते हैं। हमारा सातवां है प्रश्न, उचित शब्द से खाली स्थान भरो, उचित शब्द से, उचित शब्द से खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। तो हमें मंजूषा दे रखी जहां से शब्द चुनने हैं, तो सबसे पहले हम लोग वाक्य को ही लिख लेते हैं, और फिर मंजूषा से एक एक शब्द जो सही शब्द होंगे उनको चुन करके वाक्य को पूरा करेंगे। तो क्या है, मोहन के पास कई रिक्त स्थान हैं, मोहन के पास कई रिक्त स्थान हैं, पूर्ण विराम, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा था, उसने रिक्त स्थान खाया, पूर्ण विराम, ग है, गुड़िया ने रिक्त स्थान पहनी है, गुड़िया ने रिक्त स्थान पहनी है। माँ ने रिक्त स्थान
खरीदी। और पांचवा हमारा जो वाक्य है वो है, रिक्शा उड़ रही है। उड़ रही है। मंजूषा आपको दे रखा है तो हम मंजूषा भी लिख देते हैं। अगर परीक्षा में अगर मंजूषा नहीं भी हो तभी भी आप इसे लिख सकते हैं अपने आप ही। तो याद रखिए, यहाँ तो हमें मंजूषा दे रखी है, यहाँ देखिए क्या क्या शब्द है मंजूषा में। साड़ियां, दूसरा है चिड़िया, केला, किताबें, माला, तो मंजूषा दे रखे हमें। कुल मिला के पांच शब्द भी दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने वाक्य पे। तो शब्द चुनना है, ये अधिकतर आप देख रहे होंगे एक वचन और बहुवचन वाले शब्द हैं। कुछ शब्द हमें देख रखे हैं एक वचन और बहुवचन वाले भी हैं। तो हमें ध्यान देना है पहले वाक्य में, मोहन के पास कई और हैं। तो कई से भी हमें पता चलता है कि यहाँ तो बहुवचन की चीज है, और जो क्रिया से भी पता चलता है, क्रिया का रूप भी बताता है, मतलब एक से अधिक। तो इसके अंदर मोहन, तो हम कहेंगे किताबें जो था वो सही था, तो ऐसे ही करके साड़ियां तो नहीं होगा ना मोहन के पास। तो मोहन के पास कई किताबें हैं, तो बहुवचन रूप किताबें का। और जब लिख लेते हैं तो सही का निशान लगा लेते हैं कि हमने इसका प्रयोग कर लिया है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में एक ही शब्द को दो दो जगह भी कर देते, कभी कभी वाक्य में बैठ भी जाता है, तो हमने इसका प्रयोग कर लिया है। उसने खाया, तो खाया कि खाए, ये क्रिया हमने देखा खाया, इसका अर्थ है कि एक वचन की वस्तु चीज हो सकती है। क्योंकि एक वचन की क्या, चिड़िया तो खाएगा नहीं, साड़ी, किताब, माला, केला है, केला एक वचन एकदम सही बैठा है। खाए होता तो बहुवचन, तो केला हम लिखेंगे, उसने केला खाया, उसने केला खाया। अगला है, हमने केला भी टिक कर दी। गुड़िया ने पहनी है, गुड़िया ने क्या पहनी है, पहनी है नहीं है, मतलब वो चीज एक वचन वाक्य से ही हमें पता चला, पहनी है क्रिया से ही पता चल गया कि वो जो वस्तु है एक है। तो यहाँ पे साड़ियाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो साड़ियाँ बहुवचन होता है, और माला पहनी जाती है, तो गुड़िया ने माला पहनी है, तो हम लिखेंगे माला, माला का भी हमने प्रयोग कर लिया। अगला है, माँ ने खरीदी, खरीदी से ही पता चल रहा है, बहु बिंदी जो लगी है कि एक से अधिक चीजें की बात की गई। तो एक से अधिक क्या है, यहाँ चिड़िया तो एक वचन है, तो चिड़िया के साथ जाएगा ही नहीं शब्द, ये है बहुवचन। तो माँ ने साड़ियां खरीदी, मैं लिखूंगा साड़ियां, माँ ने साड़ियां खरीदी, और अंतिम जो शब्द था वो चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, एक वचन है भी, चिड़िया उड़ रही है, तो एक वचन ये है चिड़िया। तो हमने लिख लिया है, आपने नोट कर लिया होगा इसे। तो बच्चों
आज हमने अपना ज्ञान परखो भाग एक, जो कि पाठ एक से छः पर आधारित था और हमने उसका एक तरह से कहेंगे पुनरावृत्ति की तरह ही था, हमने इसे कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे जो है सातवां सर्वनाम। तो आज के लिए बस इतना ही।